नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के ताम तलाव में। हमारे पीछे आप एक रिक्शा देख सकते हैं और रिक्शा चलाने वाले दो भाई है, इनको आप देख सकते हैं। ये रिक्शा चालक है, इनके बड़े भाई है। कहते हैं कि ईमानदार लोगों की आज भी कमी नहीं है देशों में, और इसी ईमानदारी का परिचय इन्होंने आज दिया है। यहाँ पर मेरे हाथ में एक पासपोर्ट है। पासपोर्ट एक अहम दस्तावेज होता है किसी भी भारतीय को अपनी भारतीयता, नागरिकता जताने का। वही साथ ही साथ जो भारतीय पर प्रांत विदेश में इस समय रहते हैं, उनके लिए पासपोर्ट की क्या अहमियत है वही जान सकते हैं। तो एक पासपोर्ट है, कल इत्तेफाक से वो पासपोर्ट एक बैग में इनके इस रिक्शे में छूट गया था। तब काफी परेशान थे वो लोग जिनका पासपोर्ट गुम हुआ था, काफी परेशान थे वो। पासपोर्ट जिनका गुम हुआ वो यहाँ के नहीं, अहमदाबाद के। वो अहमदाबाद जा भी चुके हैं, लेकिन किस हालात में गए होंगे अपन समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आज दिन भर उन्होंने पासपोर्ट की तलाश की, उनको पासपोर्ट नहीं मिला क्योंकि रिक्शा का कोई क्लू नहीं था। लेकिन रिक्शा वाले ने, इन्होंने खुद सामने से चलकर पता निकाला और फोन किया। फोन करने के बाद में ये पासपोर्ट जो है, इन्होंने अभी जिनका पासपोर्ट गुम हुआ था उनके रिश्तेदारों के हाथों में सौंपा है। तो कहीं ना कहीं हर एक लोगों को इस तरह से, इन रिक्शा वालों की तरह से इंस्पायर होकर, अगर कोई डॉक्यूमेंट, किसी का आवश्यक डॉक्यूमेंट कहीं पर रह जाता है तो उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन्होंने सेल्फ ये जिम्मेदारी ली है, और पासपोर्ट ही नहीं बाकी का सामान भी जो बैग में था वो सही सलामत था। तो इन्होंने ये भी दर्शा दिया कि हम एक तरफ जहां ये दस्तावेज देने के लिए कटिबद्ध है, वहीं पर ईमानदार भी है। तो ईमानदारी का इन्होंने परिचय दिया। हमने यहाँ इनसे मुलाकात की, अभी बातचीत की, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और एक बार फिर आप सभी दर्शकों को से कहना चाहता हूँ कि आपको किसी को, किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी का पासपोर्ट, ऐसे दस्तावेज मिले तो जरूर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको जमा कराए, ताकि वह दस्तावेज अपने सही हकदार तक पहुंच पाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? तुषार राठौर। तुम्हारे रिक्शे में कुछ लोगों का पासपोर्ट गुम हो गया था, कब मिला तुमको, कैसा लगा? वो मेरे को सुबह में मिला था, लेकिन मैं सुबह में भाई गाड़ी पे गया था, तो मैं बोला भाई को फोन लगाया, तो भाई बोला मेरे को ये मैं तपास लगा था पारना के पे, फिर दोस्त लोगों को उसने फोन किया, फिर पूछा उधर, दोस्त लोगों ने बोला कि कुछ लिखा नहीं है, तो मैं बोला फिर अभी शाम को तू आ घर पे, तब देखते आप उन लोग। तो भाई घर पे आया शाम को, फिर पासपोर्ट देखा, तो तुम्हारा नंबर मिला, तो तुमको कॉल किया हम लोगों ने, तुम्हारा पासपोर्ट हमने दे दिया सबसे। तुमको पासपोर्ट की अहमियत मालूम है, इसके लिए तुमने दे दिया। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पासपोर्ट में, अपने ऊपर से हम भी भाग आए कमाने के लिए, तो हमारे को भी मालूम कि वो आदमी भी भाग जा रहा कमाने को, तो इसलिए हमने कोई भी हो दूसरे का, हमारा ही नहीं तो दूसरे का भी किसी को देना पड़ता वापिस। ओके, बहुत बहुत थैंक यू तुमको, धन्यवाद। क्या नाम आपका? सतीश भाई सोनी। आपके किसी रिश्तेदार का पासपोर्ट गुम हो गया था, क्या मामला था? वो मिल गया है, उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ, और उसके लिए आभार उसके लिए। रिक्शा वाले ने आपको ढूंढ के दिया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमको ऐसा लगा कि वसई में अमुक लोग ईमानदार है। आप क्या कहना चाहेंगे रिक्शा वाले के लिए? थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।